हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर की रसोई। तो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल और सोया चंक्स के कबाब, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने आप एक कटोरी चना दाल ली है, उसे हम अच्छे से पानी में भिगोने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी चना दाल है वो थोड़ी सी फूल जाए। जब तक हमारी चना दाल हो रही, तब तक हम जो सोया चंक्स है उसे भी पानी में भिगोने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ किया है। गर्म पानी से क्या होगा, जो आपके सोया चंक्स है बहुत ही जल्दी फूल जाएंगे और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। मसालों में हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसे कुछ इस तरीके से कट कर लिया। 1 गार्लिक लिया, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 हरी लाल मिर्च ली है, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 4 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, कुछ ब्लैक पेपर ली है और 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है। अब जो हमारी चना दाल है अच्छे से फूल गई, हमने इसका पानी निकाल दिया है। सोया चंक्स का भी हमने पानी रिमूव कर दिया है, ये अच्छे से फूल गई है। अब हमें कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालना है। अब जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। गाइज, यहाँ पे जो छोटी वाली हरी इलायची है उसका यूज़ ज़रूर करें, उसी से जो स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट होगा वो आएगा। एक एक करके हम जो हमारे सारे खड़े मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। प्लीज़ गाइज, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक भुनेंगे। हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि जो हमारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब जो हमने अदरक काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे पूरा होल गार्लिक लिया था, उसे हमने अच्छे से छील लिया था, वो ऐड कर देंगे इसमें हम। अब जो हमने प्याज काट के रखा था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे चलाएंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, हमें इसे थोड़ा सा ही भुनना है। अब जो हमारी चना दाल थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों के साथ में। अब हम यहाँ पे सोया चंक्स को ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो मसाले हैं उन्हें ऐड करेंगे। मसालों के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर यूज़ किया है, 2 चम्मच गरम मसाला यूज़ किया है। गरम मसाला ज़रूर यूज़ करें, इसी से अच्छा टेस्ट आएगा। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। गाइस, मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर लिया था और गरम मसाला इसमें ज़रूर ऐड करें। गरम मसाला आप 2 चम्मच भर के यूज़ करें, तभी आपके कबाब में जो होगा वो रियल अच्छे कबाब वाला टेस्ट आएगा। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी में बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वरना जो हमारा मिक्सचर होगा वो गीला हो जाएगा, शेप में नहीं हमारे कबाब आएंगे। देखिए, हमने इसे 2 सीटियाँ दे दी। अब हम चेक कर लेंगे जो हमारी दाल है वो अच्छे से गली है या नहीं गली है। देखिए, जो हमारी दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। आप इसकी विसल तुरंत ना निकालें, इसे अपने आप ठंडा होने दें तभी इसकी विसल निकालें। अब इसे चला रहे हैं। देखिए, हमारे चलाते चलाते ही जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स होने लगा, एक दूसरे के साथ में कंबाइन होने लगा है। गाइस, मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। आप जब सारे मसाले डालने हो तभी ये ब्लैक पेपर पाउडर डालें वहाँ पे। देखिए, हमने इसे ठंडा कर लिया। हम इसे ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसे पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में। गाइस, इसमें और कोई मसाले नहीं यूज़ होते हैं, इसमें बस खड़े मसाले का ही जो होता है वही टेस्ट होता है। देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, इसे ज़रूर ऐड करें, इससे जो आपका मिक्सचर है उसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। अब हम इसमें 1 प्याज ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर सकते हैं। हमने बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड किया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसके गोल गोल कबाब शेप देंगे। मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं कबाब को। देखिए, हमने बना लिया कबाब। कुछ इस तरीके से अपने बाकी के कबाब भी हम बना लेंगे। देखिए, हमने बाकी के कबाब बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे हाफ फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हमें 1-1 करके इसमें अपने कबाब जो हैं उन्हें ऐड कर देंगे। गाइस, ये कबाब ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये आपको जो नॉनवेज कबाब होते हैं उनसे भी अच्छा टेस्ट देंगे और ये आपको बिल्कुल गलौटी कबाब का टेस्ट होगा। इसकी जो ऊपर की लेयर है वो एकदम क्रिस्पी होगी, बट एक जो कबाब है वो अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा। तो प्लीज़ एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, हम 1-1 करके अपने सारे कबाब को जो है इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे इन्हें। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गाइस, वीडियो एंड तक देखें, मैं आपको एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको कबाब बनाने में आसानी होगी अगर आपके कबाब खराब हो गए हों।
देखिए मैं कबाब को पलट पलट के सेक लिया, अच्छे से जो हमारे कबाब हैं ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से कोटिंग आ गई है, हमारे कबाब जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। अब इसे निकाल लेंगे, जगह से अपने बाकी कबाब भी बना लिए। अगर आपके कबाब शेप आने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऐड कर दें, इससे जो आपके कबाब हैं परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।